हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है, ये आपके बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक क्लास 1 से 5 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का है। और ये जो है आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज से जो है आप लोगों को डेली जो है क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से जो है आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कराई जाएगी इस चैनल पे। तो जो लोग भी अभी चैनल पे पहली बार विजिट किए हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ऐसे ही जो है आप लोगों को एग्ज़ाम तक सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व करा दिए जाएंगे। और देखिए, एक एक क्वेश्चन में जो है आप लोगों को जितने भी प्रश्न और एक्स्ट्रा बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। तो जो है आप लोग हो सके तो पेन और कापी जरूर साथ में लेके बैठें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, नई शिक्षा नीति से हो सकता है आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएं। जैसे कि प्रश्न ये बन सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये तैयार किया गया था के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार किया गया। और यहाँ से एक और प्रश्न ये बन सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया, उसका जो है फॉर्मेट क्या है? तो ये है 5+3+3+4। और इसके पहले कौन सा फॉर्मेट था? तो इसके पहले चलता था 10+2+3। तो ज़रूर आप लोग जो है इन सारी पॉइंटों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये शराबबंदी से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करता है? तो कौन सा संगठन है जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करता है? तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? यानी आपको IIP का फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो देखिए, बिहार GK में जो है कुंवर सिंह जो है ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में जो है 99% चांस है कि प्रश्न देखने को मिले। तो ये कहाँ के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार में जो है किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। तो जरूर आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ये जो है तापक्रम विलोमता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो 7 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। तो देखिए, मगध की बात हुई है तो आइए मगध से और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बृहद्रथ ने। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बृहद्रथ ने। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो मगध पर सर्वप्रथम जो है हर्यक वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो ये था
इब्न बख्तियार खिलजी, और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। तो देखिए आप लोग एक एक प्रश्न में जो है आपको बहुत सारे प्रश्न जो है करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखिए पूछा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए, ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब देखिए बिहार की बात हुई है, तो आइए बिहार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो ये बन सकता है करंट का कि बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो बिहार के वर्तमान गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ये जो हैं बिहार के वर्तमान गवर्नर हैं। और बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है करंट में, तो ज़रूर आप लोग नोट करते चलें। और देखिए और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था सर्च लाइट। देखिए जितने भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं उसे जरूर आप लोग याद करते चलें। और देखिए बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी, ये हिंदी समाचार पत्र था। और सर्च लाइट ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। और देखिए बिहार से एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था बरौनी में, बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना। तो और बिहार से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो एक ये प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर सीएम कौन थे? तो ये वो थे श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम ये चीफ मिनिस्टर थे। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम जो है ये स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये झारखंड क्षेत्र में संताल विद्रोह हुआ था, और ये हुआ था 1855 में। तो ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है एग्जाम में, और इसके नेता थे सिद्धू एवं कानू, ये दोनों जो है भाई थे। तो ऑप्शन बी 10 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो देखिए जितनी भी बौद्ध संहितियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीपीएससी जो है हर बार जो है यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो आइए हम लोग चारों बौद्ध संहितियों को देखते हैं। पहला बौद्ध संहिति ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ये कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिति ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, ये हुआ था वैशाली में। तीसरा बौद्ध संहिति ये हुआ था अशोक के शासनकाल में, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और सबसे अंतिम और चौथी बौद्ध संहिति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में, ये हुआ था कुंडल वन में। तो ये चारों बौद्ध संहितियाँ हैं, और किसके शासनकाल में हुई थी आप लोग जरूर याद रखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय बौद्ध संहिति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था?
तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। और कब करवाया था इबादत खाना का निर्माण अकबर ने, तो ये करवाया था 1575 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1582 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए समाज और उसके संस्थापक से जो है बीपीएससी द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। और भी जो प्रमुख समाज है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1828 में। और किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। फिर इसके बाद से आता है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और कब, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने मिलकर जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद से स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, तो ये की थी 1897 में। तो जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को जो है आप लोग नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो तीन जो दिए हुए हैं वो संबंधित हैं और एक नहीं है, तो वही बताना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है सूर्यसेन, ये जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। देखिए चार लोग जो है वो प्रमुख रूप से काकोरी कांड से संबंधित थे। पहले आपके अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि काकोरी कांड ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये संबंधित है भाग 3। 16 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3। ये किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, तो ये है 12 से 35 नंबर के आर्टिकल में। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, भाग 2 इसमें नागरिकता दिया गया है। और नागरिकता ये किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, तो ये है 5 से 11 तक के आर्टिकल में। भाग 1 क्या है, तो इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये 1 से लेके 4 नंबर तक के आर्टिकल में है। ऑप्शन सी में दिया गया है भाग 4, तो इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं DPSP, और ये आपके हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये तो पंचायती राज की बात हो गई, और यही क्वेश्चन पूछे कि शहरी राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है द हेग नीदरलैंड में। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, लंदन में क्या है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। न्यूयॉर्क में क्या है, तो न्यूयॉर्क में UNO संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ का मुख्यालय है। पेरिस में क्या है, तो इसमें यूनेस्को का मुख्यालय है।
जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो 19 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है समवर्ती सूची में। और क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आइए देखते हैं प्रमुख प्रमुख जो विषय हैं वो किस सूची में आते हैं। देखिए केंद्र सूची में कौन से प्रमुख विषय आते हैं, तो रक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रेलवे, ये केंद्र सूची के विषय हैं। और राज्य सूची के विषय में कौन से प्रमुख हैं, तो पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए ऐसे ही टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर जो है इसे नोट डाउन करते चलें। पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। और समवर्ती सूची के प्रमुख विषय में कौन से आते हैं, तो शिक्षा। देखिए ये बार बार प्रश्न पूछता है एग्जाम में, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। और एक ये बनता है बार बार प्रश्न, वन किस सूची का विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। और एक बनता है ट्रेड यूनियन, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है, ट्रेड यूनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 51, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 51, ये संबंधित है विदेश नीति से। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 50, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। क्या कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 49 इसमें क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें राज्य कृषि और पशुपालन की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है, कौन अवसादी सेल का उदाहरण है, तो ये है सेल, ये जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन बी में संगमरमर, ये तो कायांतरित या फिर रूपांतरित सेल का उदाहरण है। और स्लेट भी जो है कायांतरित या फिर रूपांतरित कह लीजिए, एक ही बात है, तो ये उसका उदाहरण है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये जो है ग्रेनाइट सेल के उदाहरण है। पुछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो ये होती है सूर्य से दूर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है, तो चारों ऑप्शनों में से कौन भ्रंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है मानेन, ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो इसमें से तीन जो दिए हैं वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो गोभी ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ये जो है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। बाकी अरनिया, कालाहारी, अटाकामा ये तीनों जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। और अटाकामा जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और ये चिली में है। और कालाहारी है बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है ग्लोब, ऑप्शन ए राइट है इसका। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, तो ये खोदी गई रानीगंज में, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, तो 28 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी भील।
और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो ये होता है हिमनदों के द्वारा, ऑप्शन डी राइट है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब आइए बिहार के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। तो देखिए बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो ये हैं 38। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो ये है बैल। बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष है पीपल। और देखिए संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का बिहार जो है 2.86% घेरता है, 2.86% घेरता है। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो ये है रोहतास जिले की सर्वाधिक साक्षरता है, और सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया की, सबसे कम पूर्णिया की साक्षरता दर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो वो है गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात, और सबसे कम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर का। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार की कुल साक्षरता कितनी है टोटल, तो बिहार की कुल साक्षरता दर है 63.82% कुल साक्षरता दर है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, केवल पुरुष साक्षरता दर, तो यह है 73.39%। और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है 53.33% तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो इतनी चीज़ें जो है आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं, तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद के कुमार स्वामी, ये जो है राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है, तो लोक कला का संबंध किससे होता है, तो लोक कला ये क्षेत्रीय कला है, ये किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित होती है। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, किसे कहते हैं, तो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को कहते हैं ज्यामितीय डिजाइन। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऐप्पण का संबंध किस राज्य से है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, तो ये मानी गई है 22, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, तो योग दर्शन के लेखक हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो जीन नामक प्रोटीन ये संबंधित है मक्का से। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो कौन सी नस्ल है जो कि दुकाजी उद्देश्य की, यानी कि जिससे दो कार्य करवाए जा सकते हैं, तो 39 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थार पार्कर, ये जो नस्लें हैं तुकाजी उद्देश्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को कुल 15
कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न, केसर प्राप्त किया जाता है, तो केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो 42 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है 24। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन है मियादी बुखार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, तो रेशमी वस्त्रों में। 45 का ऑप्शन ए राइट है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, तो ये होते हैं 12 स्वर। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, तो ये ध्रुपद गायकी के साथ चार ताल का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, तो तीन जो है वो तबला वादक हैं, एक नहीं है, तो वही बताना है। तो देखिए इसमें जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, अहमद जान थिरकवा ये भी तबला वादक हैं, और पंडित किशन महाराज ये तीनों तबला वादक हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया गया है रामदास शर्मा, ये तबला वादक नहीं है, ये जो है एक कवि हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए, तो 49 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। और कब, तो ये हुए थे 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, तो यानी ये जो कथन है ये किसका है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये कथन जो है ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। देखिए स्वामी विवेकानंद से एक जो प्रश्न है वो बार बार बनता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था वो कब दिया था, तो ये दिया था 1893 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 51 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया कौन से केस में, तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 201 के तहत। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 108 में क्या है, तो इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात है। अनुच्छेद 213 इसमें जो है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 52 इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, तो 54 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, दक्षेस यानी सार्क की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में। सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 1985 ढाका में, और इसमें जो है टोटल 8 देश हैं, कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, चार हो गए, फिर पांचवा है मालदीव, और बांग्लादेश है, फिर सातवां है भूटान, 7 भूटान हो गया, और लास्ट एक बचा वो है श्रीलंका। तो टोटल जो है 8
सार के सदस्य देश हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा देश नहीं है, तो आसानी से मिल गया, जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रिक बीज की संतति है तो कौन है, तो यह है प्रजनक बीज, ऑप्शन डी राइट है 56 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है, तो ये है लखनऊ में, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान है लखनऊ में। भोपाल में क्या है, भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी नई दिल्ली। इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो है आपके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय पोषक संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो यह है माल्टा, 58 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। जेलिल बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है शर्करा का, 60 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो आसान प्रश्न है, ये दिया था यूसुफ मेहर अली। देखिए भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली थे अली ने, और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी कर दिए होंगे, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एनएम लोखंडे। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन एक ये बनता है कि कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो वो दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 64 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 64 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम आयु में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो ये प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1945 में, 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था, तो ये संबंधित है सूर्य सेन। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था, तो ये स्थित था रंगून में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया, तो ये किया था लाला हरदयाल ने 1913 में। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर बताया किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग, तो ये लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था, तो किसने किया था अभिनव भारत को संगठित, तो विनय दामोदर सावरकर ने। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा, तो 71 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, तो यह है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, और बाघ परियोजना ये कब आया था, तो ये आया था 1973 में।
टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, ये इन्वायरमेंट में बहुत बार प्रश्न पूछा है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। इनमें से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, तो यह है 33%। ये होना चाहिए, बट भारत की बात की जाए तो कितना है अभी वर्तमान में, तो यह है केवल 24.5%, 24.5% केवल है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये किया था एजी टांसले ने। और अगर केवल पूछे पारिस्थितिकी की संकल्पना को, तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये भी पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण दिया है, यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। बाकी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा राइट होगा, तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, ए सही है आर गलत है। आप लोग वीडियो बैक करके एक बार क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। कारण है, दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है, तो आपको कूट का चयन करना है। तो 77 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सम परिस्थिति के लिए सही है, तो पर्यावरण में काफी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो 78 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। 79 नंबर का प्रश्न है, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए तथा आर दोनों सही है। और आर जो है कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को, तो ये है अर्नेस्ट हैकल। देखिए चार्ल्स डार्विन से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी रचना है, तो ये चार्ल्स डार्विन की है, जरूर आप लोग ध्यान रखें। 81 नंबर का प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो कौन सा है, तो ये है अनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले होता है जल पादप, फिर घोंगा, फिर मछली, उसके बाद पक्षी। तो 82 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 84 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी डी नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो आसान प्रश्न है, यह है सामुद्रिक, ऑप्शन डी राइट है। ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन दिया है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, तो ये तो सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है,
तो दो में जो बात लिखी हुई ये भी सत्य है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा तो ये भी सत्य है। तो चारों सत्य हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये जो हैं चारों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं, हम लोग केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, तो कौन सा वृक्ष है? तो यह है यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? तो कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? तो 89 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है अम्ल वृष्टि का कारण बनता है। और आज के सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है? तो 90 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह विकसित देशों को विकासशील देश की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, ये जो है सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं सामान्य अध्ययन के, तो ऐसे ही सारे आपको प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और अगर आप लोग ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, सारे प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपको एग्ज़ाम तक दे दी जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।